हेमलिन का बासुरी वाला। बहुत पुरानी बात है, हेमलिन नाम का एक छोटा सा शहर था और ये शहर एक बड़ी नदी के किनारे बसा था, जो बहुत ही खूबसूरत तो था ही, लेकिन वहाँ शांति भी बहुत थी। लेकिन 50 साल पहले यहाँ के लोगों ने इस शहर को कूड़े कचरे से बहुत ही गंदा कर दिया था। वो सारा कचरा अपने घर के बाहर रास्ते में फेंक देते थे। वहाँ के मेयर ने भी इस बात को नजरअंदाज कर दिया, जिसका परिणाम ये हुआ पूरा शहर चूहों से भर गया और हेमलिन के लोगों को इन चूहों के कारण बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ा। शहर के चारों तरफ चूहे फैल गए थे। वो नन्हे बच्चों को काटते थे, बर्तन में पड़े खाने की चीजें खाते थे और सारा सामान तीतर बितर कर देते थे। वो जूतों में और टोपी में अपना घर बना लेते थे। वो हर जगह अपनी कर्कश आवाजों से घर और बाहर में माहौल बिगाड़ देते थे। उस शहर के सारे नागरिक मदद के लिए मेयर के बंगले के पास पहुँचे। ये सारे शोर शराबे की आवाज सुनते ही मेयर साहब बाहर आ गए। क्या बात है, क्या हुआ? हम चाहते हैं कि इन चूहों से हमें जल्द से जल्द छुटकारा दिला दीजिए, वरना हम आपको मेयर के पद से बर्खास्त करवा देंगे। हम जल्द से जल्द इसका निर्णय लेने के लिए एक सभा बुलाएंगे, हमें थोड़ा सा वक्त दीजिए। मेयर की बातों से सभी सहमत हो गए। उन्होंने अपने सभी सदस्य के साथ एक मीटिंग रखी। बहुत देर तक आपस में बात करने के बावजूद कोई हल नहीं निकल पाया। लेकिन तभी अचानक किसी ने दरवाजा खटखटाया। अंदर आ जाओ। तभी एक आदमी ने अंदर प्रवेश किया। ऐसा अजीब आदमी आज तक किसी ने नहीं देखा था। उसने बहुत ही अनोखा झोला पहन रखा था, आधा लाल और आधा पीला। वो एकदम पतला और खंबे की तरह लंबा था। उसकी उंगलियां बांसुरी पर मस्त थिरक रही थी। क्या तुम किसी सर्कस से भाग कर आए हो? ये सुनते ही सभी जोर से हंसने लगे। लोग मुझे बांसुरी वाला कहते हैं। मेरे पास एक ऐसा जादू है जिससे मैं पृथ्वी के किसी भी प्राणी को बुला सकता हूँ, जैसे कि रेंगने वाले, तैरने वाले, दौड़ने वाले, चलने वाले या उड़ने वाले। मैं ये कला नुकसान पहुँचाने वाले प्राणियों पे इस्तेमाल करता हूँ, जैसे कि बिच्छू, मेंढक, छिपकली, सांप और चूहे। क्या कहा, चूहे? तुम चूहों को बुला सकते हो, पर हम तुम पर यकीन कैसे करें? मैंने कई बार कई शहरों को मधुमक्खियों से आजाद किया है, और तो और कई शहरों को मैंने पिशाच चमगादड़ से भी आजाद किया है। मैं दुनिया में घूमकर लोगों को ऐसे खतरनाक जीवों से बचाता हूँ। ऐसा क्या? तो फिर अपनी इस अनोखी कला से हमें चूहों से आजाद कराओ। शुहु शुहु शुहु। आ सरकार जरूर, लेकिन उसके लिए आप मुझे 1000 सोने के सिक्के देंगे? हाँ, क्यों नहीं, जो तुम चाहो। क्या कहते हो मेरे सभा के सदस्यों? सभी ने मेयर का ये फैसला मान लिया। अब तुम अपना काम शुरू कर सकते हो। बांसुरी वाला बाहर निकला और मुस्कुराने लगा। उसने अपनी बांसुरी बाहर निकाली और उस पर तीखी धुन बजाने लगा, और मानो जैसे कोई जादू हो, सारे चूहे घरों से बाहर निकलने लगे। जूतों से, टोपी से, वो अपना सारा खाना भूल के बाहर आए। भूरे रंग के चूहे, सफेद रंग के चूहे, तीनों रंग के चूहे सभी सड़क पर आने लगे और बांसुरी वाले का पीछा करने लगे। धीरे धीरे वो सारे चूहे शहर से बाहर निकलकर नदी के पास आ गए। हेमलिन के सारे लोग ये अजीबोगरीब नजारा हैरान होकर देख रहे थे। बांसुरी वाला नदी पर पड़े पत्थर पर कूदा और अपनी बांसुरी बजाने लगा। चूहों ने भी कूदना शुरू किया और एक एक करके सभी पानी में कूदकर डूब गए। सभी चूहे बिना सोचे समझे पानी में कूदकर खत्म हो रहे थे। अब एक भी चूहा नहीं बचा था। हेमलिन चूहों से आजाद हो गया था। बांसुरी वाला अपना इनाम लेने मेयर के पास आया। मैंने अपना वादा पूरा किया, अब आप अपना वादा पूरा कीजिए, मुझे मेरा इनाम दीजिए। तुमने वाकई बहुत बढ़िया काम किया है, लेकिन 1000 सोने के सिक्के ऐसे मामूली काम के लिए बहुत ही ज्यादा है। मैं तुम्हें इतना बड़ा इनाम नहीं दे सकता। आप अपना वादा तोड़ रहे हैं। सुनो, मैं तुम्हें 100 सोने के सिक्के दूंगा, जो एक दिन के काम के लिए बहुत ही काफी है। ये सरासर नाइंसाफी है। मैं आपको बताऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ।
तुम्हारे जैसा एक मामूली बांसुरी बजाने वाला इस शहर को भला क्या नुकसान पहुंचा सकता है? अपना इनाम लो और यहाँ से चलते बनो। बांसुरी वाला वहाँ से चल दिया और फिर उसने अपनी बांसुरी निकाली और मुंह में रख कर धुन बजाने लगा, और इस बार उसकी धुन थोड़ी अलग थी। एक एक करके वहाँ के सारे बच्चे उस धुन से बांसुरी वाले की तरफ चल दिए। बांसुरी वाला आगे आगे बढ़ता गया और बच्चे उसके पीछे पीछे चलने लगे। बच्चों के माँ बाप और रिश्तेदार भी इस धुन से इतने हैरान हुए कि वो सिर्फ खड़े खड़े देखते रह गए। बांसुरी वाले की धुन ने उन्हें सुन कर दिया था और उसने नदी का किनारा भी पार कर दिया था, और अब वो एक गुफा की तरफ बढ़ रहा था। और जैसे वो गुफा के पास पहुँचा, एक गुप्त दरवाजा खुल गया। बांसुरी वाला अंदर चला गया और बच्चे भी उसके पीछे पीछे अंदर चले गए। गुप्त दरवाजा फिर से बंद हो गया, मगर एक बच्चा पीछे रह गया था क्योंकि वो लंगड़ाते हुए चल रहा था और इसीलिए दरवाजा बंद होने से पहले नहीं पहुंच सका। जैसे ही बांसुरी की धुन बंद हो गई, लोग गुफा की तरफ दौड़ने लगे। वहाँ एक ही बच्चा नजर आया। उसने सारे बच्चों के बारे में पूछा। वो सभी उस गुफा में चले गए और मेरे पहुँचने से पहले ये गुफा का दरवाजा बंद हो गया, पर तुम सब उसका पीछा क्यों कर रहे थे? उस धुन ने हमसे वादा किया वो हमें ऐसी दुनिया में ले जाएगी जहाँ ढेर सारे चॉकलेट, बिस्किट, केक और मिठाइयाँ पेड़ पर मिलेंगे। उस धुन ने मुझसे कहा कि मैं अपने पैरों पर चलने लगूंगा, लेकिन वो धुन अचानक रुक गई और मैं इस पहाड़ की गुफा के बाहर ही रह गया। सभी लोग उदास हो गए और बच्चों के लिए रोने लगे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। ओहो, मेरा बच्चा, जल्दी आओ, जल्दी आओ। उन सब ने मेयर को बुलाया और उसे जिम्मेदार ठहराया। मैंने भी अपना बच्चा खोया है। मैं अपने किए पर आप सभी से माफ़ी मांगता हूँ। मैं तुम्हारे लिए 1000 सोने के सिक्के लाया हूँ। हमें अपने बच्चे वापस कर दो। तुम जहाँ कहीं भी हो, बांसुरी वाले, हमारे सामने आओ। सब लोग हैरान हो गए जब बांसुरी वाला गुफा के पीछे से चलते हुए उनके सामने आया। उसे देखकर सबको थोड़ी राहत मिली। ओह, अच्छा हुआ तुम वापस आ गए। हमारे बच्चे कहाँ हैं बताओ? वो सारे सुरक्षित और मजे में हैं। जैसे ही आप अपना वादा पूरा करेंगे वो सब आ जाएंगे। मेयर ने जैसे ही उसे 1000 सोने के सिक्के दिए, गुफा के दरवाजे तुरंत खुल गए। बच्चे बाहर आ गए और दौड़कर अपने माता पिता से लिपट गए। मम्मी, मम्मी, पापा, पापा, मेरा बच्चा, डैडी। बांसुरी वाले, मैं अपने पूरे शहर की तरफ से तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ। हम सबको चूहों से आजादी दिलाने के लिए भी शुक्रिया, और हमारे बच्चों को वापस करने के लिए भी। मैं वादा करता हूँ, आज के बाद मैं कभी अपना वादा नहीं तोड़ूंगा। आप अपने बच्चे फिर खो देंगे और वो चूहे वापस आ जाएंगे। क्या? क्या? क्यों? क्यों? आपका शहर बहुत गंदा है, जिसकी वजह से शहर में कीड़े मकौड़े और चूहे आते हैं। ये शहर में बीमारियाँ फैला देंगे, जिससे आपके बच्चे बीमार पड़ सकते हैं और आप उन्हें फिर से खो देंगे। इस शहर का मेयर होने के नाते मैं अपने शहर को साफ रखने की पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। हम कचरे को कचरे के डिब्बे में ही डालेंगे और अपने शहर को चूहों और बीमारियों से बचा के रखेंगे। हाँ, हाँ, हाँ। ये सही बोल रहे हैं। सही बोल रहे हैं। अच्छा तो ठीक है, मेरे जाने का वक्त हो गया है, मैं चलता हूँ। बांसुरी वाला शहर छोड़कर चला गया और हैमलिन फिर से बन गया एक साफ सुथरा शहर जैसे कि वो 50 साल पहले था।